नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुरकुरी टिक्की की रेसिपी, वही वाली टिक्की जो आप मार्केट में जाकर खाते हैं, बिल्कुल करारी और बहुत ही हाइजीनिक और आसान तरीके के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक्की बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे दोस्तों, मैं वो आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी और उन सब का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करूंगी। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिए। टिक्की बनाने के लिए दोस्तों, मैंने करीब ये 700 ग्राम आलू बॉयल कर लिए हैं। इन्हें मैंने करीब 3-4 घंटे पहले बॉयल कर और इनको फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि हमें टिक्की बनाने के लिए एकदम सूखे आलू चाहिए, बिल्कुल भी गीले ना हो। आप आलू उबालें तो उबालते ही उनको पानी से आप निकाल दें, उनको पानी में ना रहने दें, क्योंकि आप पानी में रहने देंगे तो आपके आलू जो है गीले हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सूखे आलू हैं। अब सबसे पहले हम इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। देखिए दोस्तों, हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फिलिंग वाली टिक्की बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना फिलिंग का मसाला। मैं बना रही हूँ दोस्तों टिक्की की फिलिंग के लिए मसाला। तो नॉर्मली टिक्की की फिलिंग के लिए चने की दाल को भिगाकर उसे हल्का बॉयल करके उससे फिलिंग बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंट और झटपट तरीका टिक्की की फिलिंग बनाने का बताती हूँ, जो कि चने की दाल से भी कई गुना ज्यादा स्वाद देगा आपकी टिक्की में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच बेसन। अब मैंने एक पैन ले लिया है दोस्तों, और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप देसी घी ही डालें इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आपकी टिक्की में आएगी। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, देखिए हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें इस बेसन को डालकर और हल्का हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा घी इसलिए डालते हैं जिससे हमारा बेसन ज़्यादा सूखा सा ना रहे और एक वो फिलिंग की फॉर्म में वो आ जाए भुनने के बाद, और इससे भुनने में भी आसानी रहेगी थोड़ा। देखिए इसको लगातार चलाते हुए हमारा बेसन लगभग भुनने वाला है। अच्छा, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सूखा फील हो तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं इसमें। वैसे हमें अभी इसमें और चीज़ें मिलानी है तो ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा सारी चीज़ें मिलने के बाद। देखिए हमारा बेसन लाल होने लगा है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है। बस इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं और इस मिक्स को पहले ठंडा होने देते हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये अच्छा गुलाबी होने तक भुन गया है। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 50 ग्राम पनीर, जिसे मैं अच्छे से मैश करके उसमें डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट दोस्तों इस टिक्की में आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच दही भल्ले वाला मसाला। ये मैंने अपनी दही भल्ले की रेसिपी में बनाया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं इसको। इसमें मैंने जीरा, अजवाइन सबको हल्का हल्का भूनकर उसमें चाट मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक सब कुछ डालकर ये मसाला बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है चाट में। इस मसाले को आप किसी भी चाट के ऊपर डालकर खा सकते हैं। और ये लास्ट में मैंने ली है थोड़ा सा सूखा पुदीने का पाउडर, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी इस फिलिंग में आता है। बस अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले की बाइंडिंग आप हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स होगा और अच्छी बाइंडिंग इसमें आ जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारा फिलिंग का मसाला बनकर एकदम रेडी है, एक अच्छी बाइंडिंग देखिए इसमें आ गई है। अब हम अपना टिक्की का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आलू में डाल रही हूँ दोस्तों 4 चम्मच अरारोट। आप चाहें तो इसमें पोहा भिगाकर भी डाल सकते हैं, कुछ लोग राइस फ्लोर भी डालते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो टिक्की कुरकुरी बिल्कुल मार्केट जैसी, वो अरारोट से ज़्यादा अच्छी बनती है। पर फिर भी आपको जो अवेलेबल हो आप वो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच ऑयल। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच अरारोट और मिला लिया है। आप भी अपने हिसाब से इसमें अगर आपको कम लगे तो मिला सकते हैं। देखिए हमारा टिक्की के लिए डो बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम अपनी टिक्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, जिससे ये मिक्सचर मेरे हाथों पर ना चिपके, और 1 पीस मैं इसमें से ले लूँगी। इसको मैं हाथों से थोड़ा ऐसे फैला लूँगी। मैं दोस्तों बड़े साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ, जैसी मार्केट में मिलती हैं एकदम। देखिए अब मैं इसमें अपनी 1 चम्मच फिलिंग बिल्कुल बीच में रख लूँगी इसके, और जैसे हम पराठों की फिलिंग भरते हैं ना, बंद करते हैं, इस तरीके से इसको
अंदर दबाते दबाते मैं इसको अच्छे से बंद कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी टिक्की को अच्छे से बंद कर दिया एकदम। अच्छा, ये फिलिंग डालने से दोस्तों क्या होता है, हमारी टिक्की अंदर से भी एकदम क्रिस्पी हो जाती है। नहीं तो खाली आलू रहने से वो थोड़ा आलू का टेस्ट मुंह में आता है, लेकिन ये मसाले की फिलिंग से हमारी टिक्की अंदर से भी एकदम कुरकुरी और खस्ता हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी टिक्कियाँ बना लें। देखिए, मैंने एक बार में सिकने के लिए टिक्कियों को बना लिया है। अब हम ले लेते हैं अपने एक पैन में ऑयल। अगर आपके पास थोड़ा 20 से गहरे वाला तवा हो दोस्तों, तो आप उस पर बना सकते हैं। मेरे पास 20 से गहरा तवा नहीं था, तो मैंने एक नॉनस्टिक पैन को ले लिया है। ये देखिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। मैं इन्हें शैलो फ्राई करूंगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही ऑयल गर्म होता है, हम इसमें अपनी टिक्कियों को डाल लेंगे और इन्हें मीडियम गैस पर अच्छे से कुरकुरी होने तक सिकने देंगे। इन्हें अच्छे से कुरकुरी होकर सिकने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, एक तरफ से हमारी टिक्की ब्राउन हो गई है काफ़ी। देखिए, हमने इन्हें एक तरफ से पलट लिया है, कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन टिक्कियाँ हमारी सिक रही हैं। इन्हें हम दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए कुरकुरी होने तक सेक लेते हैं। देखिए, हमारी टिक्की दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें थोड़ा हल्के हल्के से दबा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा कर, जिससे ये अच्छे तरीके से सिक जाएं। देखिए दोस्तों, हमारी टिक्कियाँ एकदम कुरकुरी होकर सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ टिक्की हमारी कितनी कुरकुरी बनी है। बस अब हम इनकी कर लेते हैं एक अच्छी सी प्लेटिंग। अब मैंने एक टिक्की को रख लिया है, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे क्रश कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग इसमें नज़र आ रही है। अब मैं इस पर डालूंगी दही थोड़ी सी, थोड़ी इमली की चटनी, थोड़ी धनिया की चटनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, कुछ दाने अनार के, और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बीटरूट, और बिल्कुल थोड़ा सा अपने पसंद के अनुसार नायलॉन का सेव डाल दिया है मैंने इस पर। और लीजिए, हमारी टिक्की एकदम तैयार है। ये देखिए, हमारी टिक्की सर्व करने के तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी दोस्तों यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।